Hello, my dear lovely students. How are you all? Hope everyone is good. Very good student. I'm having the book of class 4th and we are going to start our chapter number 3. Thank you, uncle. This is the picture of the Kumar family. Ki ye pictures hain. How many members are there in your family? Write their number. Aapko ye complete karna hai. Okay, students. So let's start the chapter. Uncle Anand has come to stay with Mini and Vijay as their parents are out of town. Every year, Uncle takes them out on a surprise trip. What happened this year? Read and find out. So, Uncle Anand जो है Mini and Vijay के साथ रहने आए थे, जैसे कि उनके parents out of town थे, हर साल उन्हें वो surprise trip पे ले जाते हैं. इस साल क्या होगा? Let's see. देखते हैं आप पढ़ के. मिनी एंड विजय वर एक्साइटेड. एक्साइटेड होता बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं. दे पेरेंट्स हैज़ गोन आउट ऑफ टाउन. वो उनके जो पेरेंट्स हैं टाउन से बाहर चले गए हैं. एंड अंकल आनंद देयर फादर्स ब्रदर जो उनके पापा के भाई हैं उनको देखभाल करने आए हैं. मतलब थोड़े दिनों के कम शॉर्ट विजिट है, थोड़े दिनों के लिए मिलने आए हैं उनका ध्यान रखने के लिए. अंकल आनंद वॉज ग्रेट फन. ही ऑलवेज थॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग्स टू डू. अंकल आनंद जो है बहुत मज़ेदार व्यक्ति थे. वो हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस, कुछ अलग करने का सोचते थे. द लास्ट टाइम दैट ही हैज स्टे विद दैम. लास्ट टाइम जब वो उनके साथ रुके थे, दे हैड टेकन दैम टू सी द शूटिंग ऑफ फिल्म. तो वो उनको फिल्म की शूटिंग दिखाने लेके गए थे एज हिज फ्रेंड वॉज मेकिंग, जो उनका फ्रेंड बना रहा था. फॉर डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद मिनी वेंट अराउंड प्रिटेंडिंग टू अ शूट फिल्म. तो मिनी जो है एक प्रिटेंडिंग एक फिल्म शूट करने का प्रिटेंड करने लगी. हर फ्रेंड हैड टू होल्ड थिंग्स. वो मतलब बहाना करने लगी. हर फ्रेंड हैड टू होल्ड थिंग्स. उसके फ्रेंड्स को चीज़ों को पकड़ना था. हर फ्रेंड लाइक जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, लाइट हो गया, कैमरा हो गया. जबकि मिनी ने क्या किया हुआ था, पेपर और एक फोन टू हर माउथ एंड शाउटेड आउट डायरेक्शन. और मिनी जो है उन्हें डायरेक्शंस बता रही थी. हैव यू पैक्ड एवरीथिंग, आस्क अंकल आनंद एज द टू चिल्ड्रन सेट ऑफ टू कैच द स्कूल बस. वो कहते हैं क्या तुमने सब कुछ पैक कर लिया जब स्कूल बस जैसे आने वाली होती थी. यस, बच्चे कहते हैं यस. ओह टेल अस व्हाट द सरप्राइज इज. वो कहते हैं अब आप हमें बताओ सरप्राइज क्या है. टेल अस नाउ प्लीज़. बच्चे कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे बताओ. नो नो इट्स टाइम फॉर द बस. नहीं, ये बस का टाइम है. यू विल मिस इट. अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम बस को मिस कर दोगे. सो द चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द बस स्टॉप. तो बच्चे बस स्टॉप की तरफ जाने लगे. आई वॉन्डर वॉट अंकल इज़ प्लानिंग. मिनी कहती कि मुझे नहीं पता. मैं सोच रही हूँ कि अंकल ने हमारे लिए क्या प्लान किया होगा. आई विल टेक अस टू वॉच दैट फुटबॉल मैच. वो कहता है कि शायद वो हमें फुटबॉल मैच दिखाने ले जाएं. सी यू आफ्टर स्कूल, आई हैव अ वंडरफुल सरप्राइज. अंकल कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए वंडरफुल सरप्राइज है, पर वो स्कूल आने के बाद ही पता लगेगा. हु वॉन्ट टू वॉच अ फुटबॉल मैच, मे बी ही विल टेक अस टू बर्ड पार्क. वो कह रही है, एक बोल रहा है उनमें से कि कौन देखना चाहेगा फुटबॉल मैच में, तो शायद हमें वो बर्ड पार्क ले जाएं. बर्ड पार्क, आई लाइक टू सी क्रोकोडाइल्स. विजय कहता है कि मुझे तो मगरमच्छ देखने बहुत पसंद है. बाय दिस टाइम दे हैड रीच द बस स्टॉप बट दे कुड नॉट सी एनी ऑफ देयर फ्रेंड्स. ओनली मुरलीज मदर वॉज देयर. तो जब वो बस स्टॉप गए, सिर्फ मुरली की मम्मी वहाँ पर थी. ओह यू मिस द बस, तुमने बस मिस कर दी. इज जस्ट लेफ्ट, अभी बस चली गई. वो कहती हैं व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे. विजय रोने लगता है. डोंट क्राई विजय, वी कैन आस्क अंकल आनंद टू टेक अ स्कूल. हम अंकल आनंद से कह सकते हैं वो हमें स्कूल छोड़ाएंगे. सेड मिनी बोथ चिल्ड्रन रन बैक होम. दोनों बच्चे भागते हुए घर आ जाते हैं. वी मिस द बस, वो अंकल आनंद से कहते हैं हमने बस छूट गई हमारी. वेल यू कैन टेक हॉलीडे एंड वी कैन गो सी द विंटेज कार एट इंडिया गेट. विंटेज कार होती है, बहुत पुरानी कार्स. ठीक है, तो अंकल आनंद कहते हैं ओ नो वी हैव अ फुटबॉल मैच विद क्लास 4C, वी कांट मिस दैट. विजय कहता है कि चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा तो मैच है, फुटबॉल मैच, मैं वो देखना चाहता हूँ. आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव अ टेस्ट. मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी टेस्ट है. मिनी कहती है ऑल राइट डोंट गेट अपसेट. कोई बात नहीं, अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है. टेल मी द वे, मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर दूंगा. यस यू कैन टेक सेम रूट एवरी डे. यस यस, वो कहते हैं चलो. बोथ द चिल्ड्रन क्राइड सो द चिल्ड्रन गेट इन टू कार. वो कार में अपने अंकल के साथ चले जाते हैं. मिनी अब क्या बोल रही है, गो स्ट्रेट डाउन रिंग रोड. रिंग रोड की तरफ सीधा चलो. विजय कहता है यस नाउ देयर इज अ बिग होर्डिंग. होर्डिंग होता है जो होर्डिंग लगी होती है, बड़े बड़े बोर्ड, जिसमें आपने देखा भी होगा अपने स्कूल के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसपे स्कूल का नेम लिखा है आपका. तो
अंकल यू हैव टू टर्न लेफ्ट नाउ, अब आपको लेफ्ट टर्न करना है, अंकल आनंद कहते हैं, बट आई थॉट योर स्कूल वॉज ऑन द राइट समवे, मुझे लगता है तुम्हारा स्कूल किसी राइट साइड पे है। विजय कहता है नो नो वी हैव टू गो दिस वे, हमें दिस वे जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। अंकल आनंद ओके इफ यू से, सो चलो उसी रास्ते पे चलते हैं जिस पे तुम कहते हो, नाउ गो अंडर द ब्रिज, अब पुल के नीचे चलो। मीनी कहती है यस यस इन टू द लेन वेयर उषा लिव, जहाँ पे उषा रहती है। अब अंकल आनंद कह रहे हैं आर यू श्योर, आई सम हाउ फील वी आर गोइंग अवे फ्रॉम योर स्कूल, मुझे लगता है हम कहीं और जा रहे हैं तुम्हारे स्कूल ना जाकर। मीनिंग सी देर इज़ वेयर मोनू लिव, देखो यहाँ मोनू रहता है, वी हैव टू गो अराउंड द पार्क, हमें पार्क की तरफ से जाना पड़ेगा एंड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल स्ट्रेट। विजय नाउ टेक यू टर्न, अब कहते हैं चलो अब यू टर्न लो मेट्रो स्टेशन की तरफ। मीनिंग नाउ गो डाउन, अब नीचे डाउन करो और लेफ्ट टर्न करो। अंकल आनंद बट वी हैव टू कम बैक टू द प्लेस वेयर वी टर्न लेफ्ट। मीनी यस सी देर इज़ अ स्कूल गेट, देखो अब स्कूल गेट भी आ गया। अंकल आनंद कह रहे हैं दैट इज़ वॉट आई सेड अर्लियर, वी कुड हैव टर्न राइट हियर, हमें यहाँ से राइट लेना था। देन वाई डिड यू मेक मी गो राउंड राउंड, तब तुमने मुझे राउंड राउंड क्यों घुमाया, बट दैट इज़ द रूट ओनली बस टेक, वी ओनली नो दैट वे, कि ये वही रूट है जो बस हमें लेकर आती है। तो इट मीन्स स्टोरी में क्या था बच्चों, वो उससे स्ट्रेट भी आ सकते थे, बट बच्चों को कौन सा रास्ता पता था जहाँ पे उनके बस वाले भैया उन्हें उस रास्ते से लेके आते थे। तो स्टोरी का नाम था थैंक यू अंकल, और थैंक्स उन्होंने इसलिए किया कि वो उन्हें स्कूल ड्रॉप किया। ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव अ लवली डे अहेड।